जैन तीर्थ यात्रा गाथा है। जैन तीर्थों की चलो चले इन तीर्थों पे, जहाँ बसे प्रभु वर मेरे, कर पावन दर्शन जिन वर के, इस भव सागर से तरे। है आस्था के ये पावन धाम, सदा भक्ति की ज्योत जले, लख 84 के फेर मिटेंगे जो यात्रा इन तीर्थों की करे। जैन तीर्थ यात्रा गाता है जैन तीर्थों की, जैन तीर्थ यात्रा गाता है जैन तीर्थों की, जैन तीर्थ यात्रा। स्वप्न सुचित जमीन से दे दर्शन से जिनके दुख सब दूर हुए। 24 जिनवर के साथ नवसारी नगर में सजे श्री नवसारी प्रभु पार्श्व को वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो। धर्म यात्रा तीर्थ यात्रा से मनुष्य अपने जीवन में परम शांति की अनुभूति करता है। तीर्थ यात्रा हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है और जब हमें परम कृपालु परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं तो मानो कि मनुष्य जीवन के सारे दुख दर्द पल भर में विलीन हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। श्री नवसारी पार्श्वनाथ भगवान को वंदन करके आज से जैन तीर्थ यात्रा में हम श्री 108 पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ की भव यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आओ चले पार्श्वनाथ दादा के दर्शन कर जीवन को सार्थक करें। जिनालय को बहुरंगीन आइनों से खूबसूरती से सजाया गया है और भक्तजनों की उच्च आस्था से दर्शन के लिए लगी होड़ हमें प्रभु की महिमा अपने आप सुना देती है। गुजरात के नवसारी शहर में श्री नवसारी पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ के भगवान की प्रतिमा अति प्राचीन है। इस तीर्थ का उल्लेख श्री जैनपति सूरी द्वारा स्वरचित तीर्थमाला में नोदनीय है। हर रोज दादा की स्वर्ण कलश से प्रक्षाल पूजा की जाती है और स्वर्ण आंगी चढ़ाई जाती है। सप्तफणायुक्त पद्मासन मुद्रा में विराजित भूरे वर्ण के 13 इंच ऊंचे और 10 इंच चौड़े संप्रतिकालीन श्री नवसारी पार्श्वनाथ प्रभु नवसारी मधुमति विस्तार में एक भव्य त्रिशिखरीय जिनालय में विराजित मूल नायक है। इस जिनालय का जीर्णोद्धार संवत 1988 में हुआ और आज 2 मंजिला और 8 गभारा युक्त ये त्रिशिखरीय जिनालय दर्शनीय है और महामंत्री तेजपाल द्वारा निर्मित ये प्रतिमा जी अति प्राचीन है। नवसारी मंडन ये पार्श्वनाथ जी श्री नवसारी पार्श्वनाथ जी तो कहलाते हैं किंतु चिंतामणि पार्श्वनाथ जी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। बरसों पहले नवसारी के एक श्रावक के सपने में
अधिष्ठायक देव ने आकर कहा कि हे श्रावक, जमीन खोदकर परमात्मा को प्रकट करो। सुबह स्वप्न सूची स्थान पर भूमि खनन करते ही भूरे वर्ण के ताजे चंदन और फूलों से शोभित अमृत जरते प्रभु जी प्रकट हुए। अबाल वृद्ध सभी भक्तजन यहां पर पूजा पाठ में लीन दिखाई पड़ते हैं। देश विदेश से कई श्रावक श्राविका और अन्य धर्म के श्रद्धालु भी दादा के दर्शन और आशीर्वाद हेतु यहाँ आते हैं। श्री चिंतामणि पासना जिनालय अति प्राचीन छे, 108 पारसनाथमां जेनुं प्रथम नाम छे अने श्री नवसारी पासनाथ तरीके पण ओळखाय छे। नवसारीमां अत्यारे 52 जिनालय विद्यमान नथी। वस्तुपाळ तेजपाळना मंत्री स्व तेजपाळे आ 52 जिनालय बनावेल, तेना आ भगवान छे। अने 84 वर्ष पूर्वे मूळ नायक चिंतामणि दादाने उत्थापन कर्या वगर आ जिनालयनुं जीर्णोद्धार करवामां आवेल। आ चैत्यनी अंदर 5 भगवानों आपणने एवा प्राप्त थयेल छे जे जमीनमां नजीकना विस्तारमांथी आપણને प्राप्त થયેલ છે। મૂળ નાયક દાદાની જમણી બાજુએ શાંતિનાથ દાદા, ઉપર આદેશ્વર ભગવાનની 24, અજીતનાથ દાદા, ચંદ્રપ્રભુ દાદા અને ચૌમુખજી ધાતુના પ્રતિમાજી જે અહીંયાથી 4 કિલોમીટર દૂર ધારાગીરી ગામેથી આપણને પ્રાપ્ત થયેલ છે। દાદાનું શ્રદ્ધાનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે। જે કંઈ પણ દાદાને આપણે પ્રાર્થના કરીએ એ આપણી અવશ્ય મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। દેશ વિદેશથી ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ અત્રે દાદાને દર્શને આવે છે। યહાં પર એક હી પરિસર મેં સાધુ સાધ્વીજી ભગવંત કે લિયે ઉપાશ્રય, આયંબિલશાલા, પાઠશાલા, ધર્મશાલા, વાડી, मेडिकल सेंटर और पेढ़ी द्वारा संचालित सधार्मिक आवास बनाए गए हैं। नवसारी श्री पार्श्वनाथ को वंदन कर हमने जिस 108 श्री पार्श्वनाथ के दर्शन की भाव यात्रा की शुरुआत की है, उसमें अब हमने सूरत की तरफ प्रस्थान किया है। नवसारी से सूरत का अंतर करीब 31 किलोमीटर है। अंतर्यामी नाथ वो दर्शन करके आत्म जागे, देना मुझको साथ हो, करुणा कर तुम ही हो दाता, गुण अनंत अपार हो श्री वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो। सुंदर और कलात्मक तरीके से की गई पत्थर की कारीगरी जिनालय के अंदर कदम रखते ही हमें दिखाई पड़ती है। पार्श्व प्रभु जी के इस जिनालय में सेवा पूजा करते भक्तजन भक्ति में लीन हो जाते हैं। सूरत शहर के गोपीपुरा उसवाल मोहल्ले में श्री उमरवाड़ी पार्श्वनाथ प्रभु पद्मासन मुद्रा में विराजित है।
भगवान की प्रतिमा फना रहित 14 इंच ऊंची और 12 इंच चौड़ी है। पार्श्व प्रभु की प्रतिमा जी दर्शनीय और चमत्कारी है। परमात्मा के दर्शन मात्र से ही हमारा मन भाव विभोर हो उठता है। श्वेत पाषाण के ये पार्श्व प्रभु उमरवाड़ी में विराजित होने से इन्हें उमरवाड़ी पार्श्वनाथ प्रभु के नाम से जाना जाता है। इस जिनालय में और भी बहुत पूजनीय प्रतिमा जी विराजमान है। श्री विनय विजय उपाध्याय ने सूर्यपुर चैत्र परिपाटी में उमरवाड़ी पार्श्वनाथ प्रभु की स्तुति लिखी है। इस जिनालय का प्रबंध और देखभाल देसाईपोड़ जैन पेढ़ी कर रही है। जैन तीर्थ यात्रा गाथा है, जैन तीर्थों की सारी सृष्टि में तू समाया, धरती ये तुझसे पावन है, प्रकाश काय प्रबोध काय अनंत सुख के धनी, अंधकार दुखों का दूर करे, तुम ही तो तारणहार हो, श्री सूरज मंडन प्रभु पार्श्व को वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो। दिव्य रोशनी से प्रज्वलित दीपक की शांत चित करती रोशनी, वातावरण को शुद्ध करते धूप की महक और सोने पे सुहागे श्री सूरज मंडन पार्श्वनाथ जी के दर्शन से भक्तजन धन्यता पाते हैं। सूरत के गोपीपुरा विस्तार में श्वेत वर्ण की 9 फणों से अलंकृत पद्मासन मुद्रा में विराजित श्री सूरज मंडन पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जी दिव्यता का तेज फैलाती है। श्री सूरज मंडन पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी 61 इंच ऊंची और 45 इंच चौड़ी है। सूरत शहर के अलंकार समान ये पार्श्व प्रभु सूरज मंडन है। यतिश्री ने प्रभु के प्रभाव से मंत्र सिद्धि प्राप्त की थी। परमात्मा श्री सूरज मंडन पार्श्वनाथ जी का दूसरा नाम श्री दिग्गज पार्श्वनाथ होने की शक्यता है। महकते फूलों से श्रावक श्राविका भगवान की भक्ति करते हैं और मनोवांछित पुण्य प्राप्त करते हैं। श्री सूरज मंडन पार्श्वनाथ जी सूरत में गोपीपुरा विस्तार के हाथीवाला तेरासर के नाम से प्रसिद्ध श्री धर्मनाथ जिनालय में भूमिगत विराजित है। दीन दयालु परम कृपालु चंद्र शीतल समसात हो, बया करू अनंत गुणों की खान हो, जीवन मेरा सुखमय बने दुख में देना साथ हो, श्री दुख भंजन
प्रभु पार्श्व को वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो। श्री दुखभंजन पार्श्वनाथ के नाम से ही हमें उनके प्रभाव का परिचय हो जाता है। अति प्राचीन और भक्तों के सारे दुख दर्द दूर करने वाले श्री दुखभंजन पार्श्वनाथ बहुत प्रभावी है। जिनालय को सुंदर आयनों से शोभित किया गया है। प्रभु की प्रतिमा जी अन्य भगवान की प्रतिमा जी के साथ इस जिनालय में पूजित है। ये जिनालय सेठ तलकचंद माणिकचंद मास्टर के देरासर के नाम से प्रसिद्ध है। सप्तफणायुक्त पद्मासन मुद्रा में श्री दुखभंजन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी 10 इंच ऊंची और 9 इंच चौड़ी है, जो सूरत के देसाईपुर के एक गृह जिनालय में विराजमान है। श्री दुखभंजन पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा संवत 1942 की होने की मान्यता है और जिनालय संवत 1850 में निर्मित हुआ था। संवत 1882 में पंडित उत्तम विजय स्वरित 108 श्री पार्श्वनाथ के छंद में श्री दुखभंजन पार्श्वनाथ जी का उल्लेख है। जैन तीर्थ यात्रा गाथा है, जैन तीर्थों की पुण्य प्रबल हो भक्त का दर्शन तेरे जो करे, रूप अलौकिक देखत सुंदर मन मेरा निर्मल बने, केसरी वृष्टि सदा बरसे, जीवन सबका सार्थक हो, श्री सहस्त्र पड़ा प्रभु पार्श्व को वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो, वंदन बारंबार हो। 1000 फणायुक्त छत्रधारी माफी मांगते मेघमाली सह सहस्त्र फणा पार्श्वनाथ जी की ये प्रतिमा जी विश्व में अद्वितीय है। माना जाता है कि इस प्रभु जी के दर्शन लगातार 6 महीने तक कोई नहीं कर पाता। सूरत के गोपीपुरा विस्तार के एक भव्य जनालय में श्री सहस्त्र पार्श्वनाथ प्रभु जी की 58 इंच ऊंची और 17 इंच चौड़ी प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में विराजित है। संवत 1609 से रचित अनेक स्तवन छंद इत्यादि लेखों में इस प्रतिमा और तीर्थ की प्राचीनता के अनेक प्रमाण हैं। आए दिन
इस जिनालय में अमी वृष्टि, अमी झरना, केसर वृष्टि और नाग देवता के दर्शन की घटनाएं प्रभु के प्रभाव को दर्शित करती है। धर्म, भक्ति, आस्था और देव दर्शन से मनुष्य जीवन पुनः आकार लेता है। यह आकार यानी एक समृद्ध जीवन का आधार। हम श्री पार्श्वनाथ भगवान को नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि वो आपके जीवन के सारे दुख हर ले और आपके जीवन में सुख, साता और समृद्धि प्रदान करें। मनुष्य अवतार से ईश्वर को पाने तक के इस सफर में हम फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र। गाता है जैन तीर्थ यात्रा।